हरियाणा में आखिर बहुजन समाज पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी गठबंधन ने 10 में से 6 लोकसभा प्रत्याशियों की सबसे पहली घोषणा कर बाजी मार ली है। 6 में से भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का प्रत्याशी मैदान में उतरा है, जबकि अन्य 5 बीएसपी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी और एलएसपी ने हरियाणा प्रदेश में दूसरी सभी तमाम पार्टियों से पहले अपने मजबूत कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए और इस देश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 10 में से 6 प्रत्याशियों की सम्मानजनक घोषणा की जाती है। वहीं अगर प्रत्याशियों की सूची की बात करें तो रोहतक से किशनलाल पांचाल बीएसपी, फरीदाबाद से मंधीर मान बीएसपी, हिसार से सुरेंद्र शर्मा बीएसपी, अंबाला से नरेश सारंग बीएसपी, करनाल से पंकज चौधरी बीएसपी, भिवानी महेंद्रगढ़ से रमेश राव पायलट लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। हालांकि सांसद राजकुमार सैनी फिलहाल चुनाव लड़ने को लेकर खुलकर नहीं बोल रहे हैं, साथ ही कहा है कि अगर हुड्डा सोनीपत से चुनाव लड़ते हैं तो वे भी तैयार हैं। जल्द ही बाकी बचे 4 उम्मीदवार भी जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। 2019 के लिए जो प्रत्याशी जिनका यहां पर नाम भाई मेघराज जी के द्वारा अनाउंस किया गया है, हमारी पार्टी और गठबंधन के सभी कार्यकर्ता उस पर मोहर लगाते हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को नौटंकी करार देते हुए कहा है कि 15 दिन तक ये नौटंकी चलती रहेगी, फिर ये घोषणाएं कहीं नहीं दिखाई देंगी। कांग्रेस 70 साल सत्ता में रही और नेहरू से लेकर आज तक गरीबी हटाओ का नारा चल रहा है। हम तो किसान, मजदूर और व्यापारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हुड्डा सोनीपत से चुनाव लड़ते हैं तो वे भी सोचेंगे। ये कितने साल से करते आ रहे हैं, जिस पार्टी को 70 साल की आजादी के बाद 55 साल राज करने का मौका मिला, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल का भाषण था गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, किसान बचाओ। जो पार्टी 12 बार देश के अंदर राज कर चुकी है, उसके खोखले वायदों के घोषणा पत्रों का जनता को क्या सरोकार। ये ड्रामा तो नौटंकी 15 दिन तक चलनी है लोगों की घोषणा पत्र की। बहरहाल हरियाणा में बीएसपी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी गठबंधन ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि बीएसपी 8 पर और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी हरियाणा में 2 सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है। अब देखना होगा कि दूसरी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कब करती हैं। रोहतक से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।